जवाब दीजिए हाँ या ना। अपनी नोटबुक देख के बताइए, कल जो लिखे होंगे आपने प्रश्न। कोई भी बच्चा जवाब दीजिए जल्दी से। जवाब नहीं आ रहा है किसी का भी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये लिखवा दिया है। हाँ कौन नो बोला मैम। नो? कौन सा मैम? अच्छा ठीक है। तो सागर, ये जो अभी मैं लिख, गोपियों के अनुसार राजनीति की शिक्षा किसने प्राप्त की है? तैयार नहीं ये नहीं हुआ। है? और ठीक है लिखिए फिर। गोपियों के अनुसार, गोपियों के अनुसार राजनीति की शिक्षा किसने प्राप्त की है? राजनीति की शिक्षा किसने प्राप्त की है? तो इसमें विकल्प देखिए। पहला विकल्प है कंस ने, दूसरा विकल्प है नंद ने, तीसरा है विकल्प श्री कृष्ण ने, और चौथा विकल्प है सभी सभी ने। आगे फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प देखिए। पहला विकल्प है इसमें नंद के लिए, दूसरा श्री कृष्ण के लिए, और तीसरा विकल्प है उद्धव के लिए। और चौथा विकल्प है इसमें कोई नहीं। एक मिनट की वो फिर ठीक करना पड़ेगा। ये जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। आगे तीसरा कर लिया प्रश्न। मैम। हाँ प्रश्न तो लिखा मैम जा सकता है सेट। साइड। नोटेड मैम। हाँ सभी तो हो गया ना लिखना? सभी ने लिख लिया बच्चों?
मैम ठीक है। अब आगे अभी यस मैम आगे और प्रश्न देखते हैं हम दूसरे। गोपियों के अनुसार पहले ही चतुर कौन था? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गोपियों के अनुसार गोपियों के अनुसार पहले ही चतुर कौन था? ये प्रश्न में आप इसके विकल्प देखिए। गोपियों पहला विकल्प है बलराम, दूसरा विकल्प उद्धव, तीसरा विकल्प है कंस और चौथा विकल्प है इसका श्री कृष्ण। आगे फिर 12 नंबर का प्रश्न है। उधर लिखो, दिख नहीं रहा है ना। पुराने जमाने के लोगों को पुराने जमाने के लोगों को पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? भला क्यों कहा गया है? ये प्रश्न है। विकल्प देखिए इसका। चालाकी के कारण पहला विकल्प है, चालाकी के कारण दूसरा विकल्प है, स्वार्थ के कारण स्वार्थ के कारण तीसरा विकल्प है, दूसरों की भलाई के कारण दूसरों की भलाई के कारण और चौथा विकल्प फिर नहीं। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा ना। उधर दूसरों की भलाई, कितना ही लिखेंगे, दूसरों की भलाई के कारण, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा। तीसरा विकल्प है दूसरों की भलाई के कारण और चौथा विकल्प देखिए, चौथा है समभाव के कारण, संभाव के कारण। ठीक है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। प्रश्न नोटेड मैम। तो एक दिख रहा है, हाँ लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न भी मैं प्रश्न को लिख ही देती हूँ। गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? गोपियां
क्या प्राप्त करना चाहती हैं? तो अगला प्रश्न है, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? इसके विकल्प यहाँ ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पहले वाले 11 और 12 नंबर के जो दोनों प्रश्न हैं इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, विकल्प में ऊपर ही है। लिख लिया हो गया सभी मैंने, अभी लोगों नहीं लिखा। का? ठीक है बच्चों, मैं 2 मिनट रुक जा रही हूँ, आप लोग लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे। नोटेड मैम। हो गया, चल सभी का हो गया ना? तो आगे फिर प्रश्न नंबर 13, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? इस प्रश्न के विकल्प देखिए ना, पहला विकल्प है इसका बांसुरी, दूसरा विकल्प है तबला, अपना मन, तीसरा विकल्प है इसका योग, और चौथा विकल्प है इसका सभी। अब अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग सूरदास के पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? विकल्प देखिए, तो पहला विकल्प है इसमें मराठी, दूसरा अवधी, अवधी भाषा है ना, अवधी, और तीसरा संस्कृत, और चौथा विकल्प है कोई नहीं, कोई नहीं। तो अगला प्रश्न देखिए, आओ सूरदास के पदों में कौन
सूरदास के, सूरदास के पदों में, पदों में सूरदास के पदों के आधार पर, के आधार पर बताइए, बताइए कि गोपियों का योग साधना के प्रति, गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, के प्रति कैसा दृष्टिकोण है ये 15 नंबर का प्रश्न है। सूरदास के पदों के आधार पर बताइए कि गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। और विकल्प देखिए, क्या हो गया, पहला विकल्प है इसमें सार्थक दूसरा विकल्प है रुचिकर तीसरा विकल्प है निरर्थक बिल्कुल निरर्थक बिल्कुल निरर्थक और चौथा विकल्प है इसमें सभी प्रश्न नंबर 15। और सूरदास के पदों के आधार पर बताइए कि गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। विकल्प पहला है सार्थक, दूसरा रुचिकर, तीसरा बिल्कुल निरर्थक और चौथा सभी। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है, कौन सा सही उत्तर होगा, है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, आप 2 मिनट में आगे फिर लिखवाते हैं। मैम साइड प्लीज। हाँ साइड हो रही यस मैम हो गया। नोटेड मैम। हाँ कंप्लीट हो गया सभी का। यस यहाँ मैम। पे क्या यस मैम। करें, ठीक है ठीक है बच्चों, आगे फिर और लिखवाते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को
अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने कैसे व्यक्त किया है, गोपियों ने कैसे कैसे व्यक्त किया है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प है श्री कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर, श्री कृष्ण के प्रेम को अपने अपने जीवन का आधार मानकर दूसरा विकल्प, सदा सदा श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर अपने अपने हृदय में बसाकर तीसरा विकल्प है श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर और चौथा विकल्प है इसका सभी। तो बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और सोच समझ कर इसका उत्तर लिखना है आप लोगों को, है ना? ओके मैम। आगे अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये यहाँ पर विकल्प ये पूरे नहीं हो पाएंगे बच्चों, इसलिए आप जो है प्रश्न नंबर 16 इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे फिर मैं लिखवाती हूँ। लिख लिया क्या प्रश्न नंबर 16 सभी ने? जवाब दीजिए बच्चों। यस मैम। सभी का? यस मैम। नो मैम, नो मैम। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। नोटेड मैम। नोटेड मैम। कंप्लीट हो गया बच्चों? यस मैम। तो इसके विकल्प देखिए,
पहला विकल्प है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। दूसरा विकल्प, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। कष्ट नहीं देना। और तीसरा विकल्प है इसका, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना। और चौथा विकल्प है सभी, आगे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? प्रश्न है ये। अब विकल्प देखिए इसका, पहला आदर, दूसरा विकल्प प्रशंसा, तीसरा विकल्प है क्रोध और चौथा विकल्प है व्यंग। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैम हो गया। नोटेड मैम। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न मैंने, कितने 18 प्रश्न हो गए है ना, तो 18 प्रश्न आप मैं आज ही असाइनमेंट क्लियर कर दूंगी। गूगल क्लासरूम में सभी बच्चे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजेंगे, प्रश्न सहित। ये नहीं कि केवल उत्तर, कुछ बच्चे ज्यादा होशियार बनते हैं तो क्या करेंगे, उत्तर उत्तर लिख के भेजेंगे। उत्तर उत्तर केवल उत्तर नहीं लिखेंगे, प्रश्न भी लिखेंगे आप चारों, जैसे मैंने लिखवाए हैं विकल्प के साथ, अच्छे उसके साथ उसका उत्तर लिखकर भेजेंगे। पूरा भेजना है काम आपको। ठीक है बच्चों, ओके मैम। सरल है प्रश्न, सारे हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवीजन चल रहा है, तो इसमें कोई कठिन बात है नहीं। यस मैम, उत्तर आपको आते ही है, सरल है एकदम। तो अब आपको, ठीक है बच्चों, और इसके अलावा कुछ कोई डाउट इस पार्ट पर आधारित जो प्रश्न हमारे, कितने 18 प्रश्न हुए, तो आपको जो है सारे ही प्रश्न भेजने, एक से लेकर 18 तक 18 प्रश्न लिखवाए ना, सभी प्रश्न के साथ उत्तर भी लिख कर भेजने हैं उनके, और सोच समझ कर उत्तर लिखना, जल्दबाजी मत करना है ना। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, विकल्प को ध्यान से पढ़िए, और सोच समझ कर आपको जो है उत्तर लिख कर भेजना। मैम वो पत्र वाला असाइनमेंट भी दे देना। पत्र अभी नहीं मैम, वो पत्र आपने होमवर्क में दिए थे। हाँ नहीं नहीं पत्र जो है आपके टर्म 1 में है क्या, सिलेबस में? टर्म 1 में है नहीं ना, अभी वो सेकंड टर्म में है,
सिलेबस को ही। इसमें तो आपके अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, और फिर ये जो काव्य खंड के दो चैप्टर हैं और गद्य खंड के दो चैप्टर हैं, और व्याकरण के चार टॉपिक। सम वन में तो आपका इतना ही, तो सारा ही प्रश्न वैकल्पिक होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न आएंगे, तो ये भी पता है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, यस हाँ, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कुछ